जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शालोस कामरान गिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जे एन डेवलपर्स। सो बेसिकली जो आज की वीडियो है, इट इज़ ऑन प्रीसन 16, जहाँ पे सिर्फ 250 के यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स करंट डेवलपमेंट स्टेटस, कि उसका करंट डेवलपमेंट स्टेटस इस टाइम क्या है, वहाँ पे कितनी घर बन चुके हैं और उसका ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड स्टेटस क्या है। प्लस सेकंड पॉइंट जिसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे कि इसकी प्राइसेस में, यानी कि बैक पिछले 6 महीने की प्राइसेस में कितना गेन आया है, और जब मार्केट स्टेबल थी दिसंबर और जनवरी में, उसमें क्या इस प्रीसेंट ने गेन पकड़ा कि ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ही रहा, पहली चीज़ ये। और जो लास्ट चीज़ यही कि इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने एरियाज़ मार्क किए हैं जिसके अंदर एंड यूज़र्स इन्वेस्टर्स को काफ़ी आसानी होगी कि कौन से एरियाज़ हैं प्रीसेंट 16 में जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपको पता है, मैंने अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि हर प्रीसेंट में सारे एरियाज़ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते। कुछ प्रीसेंट्स के एरियाज़ वो होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा इंस्टेंट गेन आ जाता है। उसकी कुछ पर्क्स होते हैं, कुछ उसके पीछे सॉलिड रीजंस होते हैं कि प्राइजेज में फ़र्क ऊपर नीचे कैसे आना है। और इसके अंदर ये है कि आपको प्रेजेंटेशन पे मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ भी आएगा। चलें जी, लेट्स मूव टूवर्ड द प्रेजेंटेशन। जैसा कि आपको इसमें मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर मैप अटैच किया है, तो आपको इसमें मैंने 5 डिफरेंट एरियाज़ डिफ़ाइन किए हैं कि विच आर दी एरियाज़ फॉर दी इन्वेस्टमेंट, और कौन सा एरिया किस लिहाज से बेहतर है। अब ये प्रेजेंट 16 का जो अगर ऊपर वाला एरिया देखें, जहाँ पे नर्सरी और जे एवेन्यू के करीब है, और इट्स वन साइड इज़ कनेक्टेड विद मेन जिन एवेन्यू, यहाँ पे आपको मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है 125 लाख से लेके 135-140 के बीच में, यहाँ इजीली प्लॉट मिल जाता है। 125 वाले वही जो होंगे जो नर्सरी के करीब होंगे, यहाँ पीछे एवेन्यू के पास लगते होंगे, और जो 135 जो ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मेरा ये कर्सर भी चल रहा है, कि यहाँ पे सारा 135-137-138 लाख में आपको एक प्लॉट मिल जाता है, जिसमें कैटेगरी पार्क फेसिंग भी इजीली मिल जाती है। अब इसके अंदर दूसरी कैटेगरी जो है प्रीसेंट 16 में, वो एक ये मैंने एरिया डिफ़ाइन किया है जो कि ये मूनसून केनाल इसके अंदर से होके जाती है। यहाँ पे मिनिमम प्लॉट यू कैन गेट इन 103 लाख, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5 में आपको मिनिमम प्लॉट मिल जाता है। और वो कहाँ किस साइड पे मिलता है, ये जो मूनसून किनाल के आसपास वाला एरिया है, ये यहाँ पे आपको इजीली 1-3, 1-4 में प्लॉट मिल जाता है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको पता है मूनसून किनाल है, तो लोगों के जहन में यही होता है कि ये थोड़ा सा ख़राब एरिया है और एक व्यू वाइज़ भी बेहतरीन नहीं है। और इसमें जो मैक्सिमम अच्छे प्लॉट्स हैं वो ऑब्वियसली ये यहाँ इस रोड के करीब आएंगे, लूप रोड के ऊपर, ठीक है। तीसरा एरिया प्रीसेंट 16 में ये यहाँ पे आता है हॉस्पिटल पार्किंग, पार्क स्कूल इंस्टीट्यूशनल जोन के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है। ये मैंने यहाँ पे एक तो इसको अगर आप देखें, ओपन स्पेस दी गई है अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ की, इसके अंदर कमर्शियल गैलरी हर चीज़ इसमें चीज़ें डेजिग्नेटेड हैं। और यहाँ पे मिनिमम प्लॉट आपको मिलता है 1 करोड़ से, ये अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट शुरू होते हैं और 1-20, 1-25 तक यहाँ पे जाते हैं। अब इसका सबसे बेहतरीन एरिया जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं रेकमेंड करूँगा, वो यही के जो है यहाँ पे सबसे नीचे वाली साइड का एरिया, जिसको आप एवेन्यू भी लगती है और इजी टू एक्सेस। अगर आप गौर करें कि यहाँ से जिना से यू जस्ट नीड टू टेक वन राइट, और उसके बाद आपके ये जोन सारी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मिनिमम प्लॉट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 116 लाख और इट गोज़ अप टू 137-138 में एक प्लॉट अच्छा मिल जाता है। अब सबसे सस्ता प्लॉट ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ से मूनसून कनाल होके जा रही है और जो हॉस्पिटल फेसिंग है, या ये मूनसून कनाल के करीब करीब के जो प्लॉट्स हैं, ये आपको तकरीबन 115-116 में मिल जाते हैं। और जो सबसे एक्सपेंसिव 1-30, 1-35, 1-40 में है, वो इन बेल्ट्स के ऊपर आएंगे।
ये आपको नज़र आ रही होगी रोड 1 के करीब करीब जो होंगे, जहाँ पे आपको 1:30 से 1:35 में मिल जाते हैं। आखिरी पोर्शन जो प्रीसन 16 में है, ये सारा जिना फेसिंग है, इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। हालांकि आपको गौर कर रहे होंगे इसके अंदर मूनसून कैनाल भी जा रही है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें ओपन स्पेस भी काफ़ी दिया गया है, रिजर्व का एरिया दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम प्लॉट यू कैन गेट इन 110 लैक्स, और मैक्सिमम यहाँ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1:45-1:46, यानी कि 1.5 करोड़ तक आपको एक प्लॉट यहाँ पे मिलता है। अब ऑब्वियसली 1:35 से 1:45 के बीच में ये जो सारे जिना फेसिंग है या पार्क फेसिंग आ जाएंगे, फिर जो तकरीबन 1:10-1:15 में है वो सारे ये रिज़र्व के करीब करीब होंगे। तो यहाँ पे आपको एक प्लॉट जो है इसका मिलेगा सबसे सस्ता। और मेरे लिहाज से अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एक सजेस्ट करूँगा ये जो सबसे नीचे वाला एरिया, ये वाला जोन, और ये जो जिना फेसिंग के हैं, और जिनका बजट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो यहाँ पे लें प्लॉट, लेकिन रिज़र्व के आसपास का प्लॉट ना हो। बजट में फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि आपको अच्छा प्लॉट लेके इजीली आपको एक मुनासिब गेन आ सके। अच्छा जी, आपको उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस प्रेजेंटेशन में समझ आया होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस एरियाज़ में मैंने हाईलाइट भी किए थे कि इन्वेस्ट करना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड जो एरियाज़ हैं। और इफ़ यू वांट टू बाय और सेल एनी प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन कराची, और इफ़ यू नीड एनी सजेशन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी एनी टाइम। और प्लस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ JN डेवलपर्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।